Dear students, I am Bharat Kashyap, lecturer biology, AGSSS Majwad, district Mandi. Today I am going to teach you the fifth chapter of biology, morphology of flowering plants, and today's topic is the flower and its parts. Let us begin today's topic, the flower. We know flower is the reproductive part of angiospermic plants. It is made for sexual means of reproduction. Angiospermic पौधों में फूलों के माध्यम से sexual reproduction होती है. A typical flower has four whorls arranged on a swollen end of stalk or pedicel called thalamus. आप डायग्राम में देख सकते हैं पेडिसल के ऊपर थैलेमस है जो कि एक सोलन पार्ट है और उसके ऊपर चार वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आप डायग्राम में देख सकते हैं ये कैलिक्स है कोरोला है दिस इज ये एंड्रोशियम एंड देन गायनोशियम तो ये चार वॉल्स फूल में प्रेजेंट होते हैं Now, when a flower has both androecium and gynoecium, the flower is called bisexual. जब दोनों ही प्रेजेंट होते हैं androecium और gynoecium, ऐसे फ्लावर को हम bisexual फ्लावर कहते हैं Whereas, the flower having a either androecium or gynoecium only, it is called unisexual. जब इनमें से एक प्रेजेंट होता है तो ऐसे फूल को हम unisexual कहते हैं और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेपल्स और पेटल्स भी कई फूलों में डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं तो जैसे लिली का फूल है उसमें उसको हम पेरियंथ कहते हैं जब ये अलग अलग नहीं होते हैं वी कॉल इट पेरियंथ नाउ सिमेट्री ऑफ फ्लावर व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियाई पासिंग थ्रू center the symmetry of flower is called actinomorphic or radial symmetry as in mustard datura and chili ye aap diagram mein dekh sakte hain humne kaha ki jab phool ko radii ke radius ke along bahut se barabar bhagon mein baant sakte hain along the radius passing through center of flower aise phool ko hum actinomorphic kehte hain और इसको रेडियल सिमेट्री भी हम कहते हैं व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन इट इज जाइगोमॉर्फिक एज इन पी गुलमोहर एंड कैसिया ये आप देख सकते हैं दूसरी डायग्राम है जब इसको एक ही रेडियल वर्टिकल प्लेन में हम इसको काट सकते हैं व्हेन इट कैन बी कट ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन तो दो बराबर भाग बनेंगे उसको ऐसे फूल को हम जाइगोमॉर्फिक फूल कहते हैं व्हेन फ्लावर अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ थ्री फोर और फाइव दे आर कॉल्ड ट्राइमिरस टेट्रामिरस एंड पेंटामिरस रिस्पेक्टिवली इसका मतलब हुआ अपेंडेज हुआ अपेंडेजेस से मतलब है पेटल्स एंड सेपल्स एंथर्स जो भी इसके ऊपर पार्ट्स लगे हैं जब वो तीन होंगे ये आप डायग्राम देख सकते हैं अगर तीन है तीन के मल्टीपल में होंगे तीन होंगे छह होंगे उसे हम ट्राइमिरस कहते हैं फोर एट सो ऑन टेट्रामिरस और जब पांच होते हैं या पांच के मल्टीपल में होते हैं उसे ऐसे फ्लावर को हम पेंटामिरस कहते हैं फ्लावर विद ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट्स एंड विदाउट इट ई ब्रैक्टिएट ये एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ डाला है ये देखिए आप नीचे एक्स्ट्रा अपेंडिजेस हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ है यहाँ पे तो इस तरह की अगर ग्रोथ होती है पेडिसल के बेस पे तो उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं और ऐसे फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट कहते हैं नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस फ्लावर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स अब हम पोजीशन ऑफ ओवरी की बात करेंगे
सबसे पहले हाइपोजाइनस, ओवरी ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन, द ओवरी इन सच केस इज कॉल्ड सुपीरियर, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। तो इसे सीधी सी बात है, हाइपोजाइनस, हाइपो का मतलब होता है बिलो, जाइनस मीन ओवरी, तो जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं बिलो द ओवरी है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द ओवरी ऑन टॉप एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम बिलो द ओवरी, सच ए फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोजाइनस फ्लावर एंड सच ए ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर, क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है इसलिए इसको सुपीरियर कहते हैं, और जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स हैं उनको हम इन्फीरियर कह देते हैं। तो उसके बाद पेरिजाइनस फ्लावर्स, इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट सेंटर एंड अदर पार्ट्स आर एट ऑन द रिम एट सेम हाइट, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, फॉर एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच, ये आप यहां देख सकते हैं। ये हमने कहा कि पेरी होता है अराउंड, जब ओवरी के अराउंड एक रिम बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेम हाइट में प्रेजेंट होते हैं इसकी, तो ये कप शेप भी हो सकता है, यहाँ पे इसको फ्लास्क शेप्ड भी हम कह सकते हैं, डिस्क शेप भी होता है, तो थैलेमस की जो शेप है वो थोड़ी वेरी कर सकती है, बट द मेन थिंग इज कि ये सभी एक ही लेवल में होते हैं। उसके बाद एपिजाइनस, ये एपिजाइनस फ्लावर्स, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज टू कंप्लीटली कवर द ओवरी, द अदर पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी, द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, फॉर एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये आप देखिए यहाँ पे। एपीजाइनस से मतलब है, एपी मीन अबव, जाइनस मीन ओवरी, ओवरी नीचे है, सारे फ्लोरल पार्ट्स ऊपर होते हैं, और ये ओवरी कंप्लीटली जो मार्जिन ऑफ थैलेमस है वो ओवरी को पूरा कवर भी करता है इसमें, तो एपीजाइनस कंडीशन इसको हम कहेंगे, इसमें जो ओवरी है वो इन्फीरियर रहेगी, नीचे है, और फ्लोरल पार्ट्स जो है उसके ऊपर है वो सुपीरियर रहेंगे। तो ये था पोजिशन ऑफ ओवरी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। नाउ पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट व्हर्ल ऑफ द फ्लावर, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज, यू कैन सी हियर दिस इज द कैलिक्स, और ये सेपल्स के मिल से मिल करके बना हुआ है, सेपल्स ग्रीन हैं, लीफी हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं बड कंडीशन में फ्लावर की, एंड इट मे बी गैमोसेपल्स व्हेन सेपल्स आर यूनाइटेड और पॉलीसेपल्स व्हेन सेपल्स आर फ्री, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, तो हम इसको गैमोसेपल्स कहते हैं, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं सेपल्स फ्री हैं, तो दीज आर पॉलीसेप्लस। नाउ कोरोला, इट कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, दे आर ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, दे मे बी गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। सिमिलरली अब यहाँ पे पेटल्स की बात करेंगे, पेटल्स कोरोला बनाते हैं और ये ब्राइटली कलर्ड हैं और ये इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, दे मे बी गैमोपेटलस। सिमिलरली अगर ये जुड़े रहते हैं तो ये जुड़े हुए यहाँ पे तो गैमोपेटलस कहते हैं, अगर ये फ्री हैं तो इनको हम पॉलीपेटलस कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एस्टिवेशन की, इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज कॉल्ड एस्टिवेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सेपल्स और पेटल्स फ्लोरल बड में आपस में कैसे अरेंज होते हैं। सबसे पहले वॉल्वेट, व्हेन व्हर्ल ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स टच ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस, जब सेपल्स और पेटल्स आपस में सिर्फ टच कर रहे हैं, ये कंडीशन आप देख रहे हैं, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर।
ऐसी कंडीशन को हम वॉल वेट कहते हैं। दूसरी ट्विस्टेड, व्हेन वॉल्स ओवरलैप ईच अदर एज इन चाइना रोज, जब ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। एक मार्जिन आप देख रहे हैं यहाँ पे पेटल का या सेपल का अंदर है, दूसरा मार्जिन बाहर है। ट्विस्टेड का मतलब भी यही हुआ कि ये ट्विस्ट कर रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो सच है अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्विस्टेड अरेंजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की। व्हेन मार्जिन्स ओवरलैप ईच अदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर फैशन एज इन गुलमोहर एंड कैशिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्ब्रिकेट में कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है। एक सेपल और पेटल अंदर है, एक बाहर है, जबकि बाकी तीन पेटल जो हैं वो और सेपल जो हैं वो आइदर ओवरलैप हो रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। तो देर इज ए नो स्पेसिफिक पर्टिकुलर फैशन ऑफ अरेंजमेंट। देन कम्स द वैक्सिलरी और पेपिलानेसियस एस्टिवेशन। व्हेन देर आर फाइव पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड, इट ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स कॉल्ड विंग्स, विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील, फॉर एग्जाम्पल इन पी एंड बीन फ्लावर्स। ये आप देख सकते हैं, ये मदर एक्सिस हमने बताई है डॉट से यहाँ पे, जबकि ये वाला पोस्टीरियर मोस्ट पेटल है, ये सबसे बड़ा होता है, स्टैंडर्ड कहते हैं। ये ओवरलैप करता है, दो उसके अंदर होते हैं विंग्स, उसके दो अंदर होते हैं एंटीरियर साइड में कील। तो ये आप पी में देख सकते हैं इस तरह का अरेंजमेंट। दिस इज द वैक्सिलरी और पेपिलानेसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। नाउ द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कॉन्सिस्ट ऑफ स्टेमेंस। देखिए एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमेंस से मिलके बना है। ईच स्टेमेन कॉन्सिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, ये आप देख रहे हैं, दिस इज द फिलामेंट, इट इज एंथर। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स, स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। पॉलन ग्रेन्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक, ये चैम्बर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलन सैक्स। नाउ व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड विद पेटल्स, इट इज कॉल्ड एपिपेटलस कंडीशन। ये आप देखेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिंजल, ये पेटल्स हैं, पेटल्स के ऊपर ही स्टेमेंस लगे हुए हैं, इसके ऊपर ही ये अटैच होते हैं। तो सच ए स्टेमेंस आर कॉल्ड एपिपेटलस स्टेमेंस। नाउ द स्टेमेंस मे बी फ्री, दैट इज पॉलियंड्रस, और अगर ये फ्री होते हैं, मैक्सिमम फ्लावर्स में, बहुत सारे फ्लावर्स में आपने फ्री देखे हैं, दे आर पॉलियंड्रस, बट मे बी यूनाइटेड इन वन बंडल, दैट इज कॉल्ड मोनोडल्फस, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, दे फॉर्म टू बंडल्स, इट इज कॉल्ड डायडल्फस, फॉर एग्जाम्पल पी, मोर देन टू बंडल्स आर फॉर्म्ड, देन इट इज कॉल्ड पॉलीडल्फस, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस। यू कैन लुक इन दिस डायग्राम, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे मोनो एडल्फस कंडीशन, जब सारे के सारे जो स्टेमेंस हैं वो एक बंडल बना रहे हैं, एक ट्यूब बना रहे हैं यहाँ पे। ये चाइना रोज का एग्जाम्पल है, उसके बाद ये पी के केस में एक सिंगल रह रहा है, नौ जो है उसमें दस होते हैं पी में स्टेमेंस, दस जो है एक ट्यूब बना रहे हैं, दिस इज डाइडल्फस, और ये सिट्रस में बहुत सारे बंडल्स बन रहे हैं, दिस इज पॉली एडल्फस। तो दिस इज द एंड्रोशियम। द गाइनेशियम, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। इट कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पेल्स, यू कैन लुक हियर, दिस इज द कार्पेल। ईच कार्पेल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, एंड इन ईच ओवरी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स ऑन कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा। ओवरी के अंदर प्लासेंटा के ऊपर ओव्यूल्स लगे होते हैं, स्टिग्मा स्टिकी होता है और पॉलन ग्रेन्स इधर अडियर करते हैं, यहाँ से पॉलन ट्यूब अंदर आती है और जो ओव्यूल्स हैं उनके साथ फर्टिलाइजेशन करती है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट,
एंड दिस कार्पल्स आर फ्री, इट इज कॉल्ड एपोकार्पस कंडीशन. ये देख सकते हैं आप एपोकार्पस, दीज आर ऑल कार्पल्स, कार्पल्स आर फ्री, फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड रोज. देन व्हेन दीज कार्पल्स आर फ्यूज्ड, दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो. ये सारे कार्पल जुड़े हुए हैं, इस तरह का डायग्राम. दीज आर ऑल कार्पल्स विच आर ज्वाइंट टूगेदर. ये आप फ्रूट में देख सकते हैं. देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स चेंज इन टू सीड्स एंड ओवरी मेच्योर इन टू द फ्रूट्स. प्लासेंटेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी. हमने अभी पढ़ा कि ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स बनते हैं, तो वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं. दिस इज कॉल्ड प्लासेंटेशन. द प्लासेंटेशन आर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिनल प्लासेंटेशन की. इन मार्जिनल प्लासेंटेशन प्लासेंटा फॉर्म्स ए रिज अलोंग द वेंट्रल सचर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज एज इन पी. जैसे नाम से पता लग रहा है मार्जिनल प्लासेंटेशन है, और पी के अंदर आपने देखी होगी तो जो वेंट्रल साइड के ऊपर एक सचर है, ज्वाइंट है, जहां पे एक रिज बनी होती है, उसके ऊपर ओव्यूल्स बनते हैं, तो मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलेंगे. नेक्स्ट इज इन एक्साइल प्लासेंटेशन, द प्लासेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टी लोक्युलर ओवरी एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. एक्साइल से हमारा मतलब है कि ये एक बीच में सेंटर में एक कॉलम बनाती है, एक्सिस में एक कॉलम बनाती है, और उसके ऊपर ओव्यूल्स लगे होते हैं, अटैच होते हैं, और ये मल्टीलोक्युलर है. आप देख रहे हैं यहाँ पे चैम्बर, तीन चैम्बर्स हैं, ट्राइलोक्युलर है तो मल्टीलोक्युलर है. इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन आर इट्स एग्जाम्पल्स. इन पेराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट. द ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. पेराइटल प्लासेंटेशन में जो ओव्यूल्स हैं वो अंदर वाली दीवार पे, ओव्यूल की ओवरी की अंदर वाली दीवार पे लगते हैं, या इसको पेरिफेरल पार्ट भी हम कह सकते हैं, और वन चैम्बर्ड है ये. लेकिन इन केस ऑफ मस्टर्ड इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, दिस इज कॉल्ड फॉल्स सेप्टम, जो कि बाद में बनता है और इसको दो इसके चैम्बर बन जाते हैं. तो ये पर्टिकुलर केस है मस्टर्ड में. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. हेयर द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एबसेंट, फॉर एग्जाम्पल डायंथस एंड प्रिमरोज. यहाँ पे ये देखिए फ्री सेंट्रल, एक सेंट्रल एक्सिस बनता है, कॉलम बनता है, और इसमें कोई भी, ये हमारे पास तीन लॉक्यूल्स हैं लेकिन इनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, तो इस तरह से देर इज नो सेप्टा एंड एग्जाम्पल्स आर डायंथस एंड प्रिमरोज. नाउ बेसल प्लासेंटेशन. इन बेसल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड. ये आप देख सकते हैं, दिस इज बेसल प्लासेंटेशन. जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो प्लासेंटा जिसके ऊपर ओव्यूल लगते हैं वो बिल्कुल बेस पे अरेंज है, और इसके एक ही ओव्यूल इसमें बनता है, सूरजमुखी में, सनफ्लावर में. आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं. विद दिस वी कम टू क्लोज ऑफ दिस टूडेज लेक्चर अबाउट द फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट properly. Thanks for watching.